इस्तकबाल है नाजरीन साहिल ऑनलाइन में, देखिए मुल्क भर से जुड़ी अहम और जरूरी खबरें फटाफट अंदाज में। करोड़ों की धोखाधड़ी मामले में फंस गई हिंदुत्व एक्टिविस्ट चैत्रा कुंदापुरा। बेंगलुरु सीसीबी पुलिस ने ड्रामाई अंदाज में श्री कृष्णा मठ के पार्किंग लॉट से साथी श्रीकांत नाइक के साथ धर दबोच कर किया गिरफ्तार। कर्नाटक जिला उड़पी में मुस्लिम मुखालिफ भड़काव और इश्तियालांगेज तकारीर के लिए मारूफ है चैत्रा कुंदापुरा। झूठे असर और रसूख से बीजेपी हाईकमान और आरएसएस के साथ गहरे रवाबित का ढोंग रच कर धोखाधड़ी का चैत्रा के खिलाफ आयद किया गया है इल्जाम। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में बेंदूर के सनातकार गोविंदा बाबू को बीजेपी से टिकट दिलाने का किया था वादा, बदले में वसूल किए थे 7 करोड़ रुपए। इंतखाबात में टिकट न दिए जाने के बावजूद भी रकम वापस नहीं लौटाने पर गोविंदा बाबू ने चैत्रा समेत उसके साथियों के खिलाफ दर्ज किया था मामला। कार्रवाई करते हुए जाल बिछाकर एक बाद एक मुल्जिम को गिरफ्तार करने में पुलिस को मिली कामयाबी। चैत्रा समेत अब तक कुल 4 मुल्जिमीन को दबोच कर पुलिस कर रही है पूछताछ। टिकट के बदले 3 मरहलों में 7 करोड़ रुपए हड़पने का आयद किया गया है इल्जाम। दिल्ली में आज एनसीपी सरबराह शरद पवार के घर पर अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली मीटिंग का हुआ इनेकाद। मीडिया से बातचीत करते हुए बोले कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और कमेटी मेंबर केसी वेणुगोपाल, कहा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुश्तरका तौर पर आवामी इजलास मुनाकिद करना किया गया है। बीजेपी दौरे इक्तदार में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और बदनवानी जैसे मुद्दों को किया जाएगा उजागर। जात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी का भी उठाया जाएगा मुद्दा। The coordination committee decided to start the process for determining the seat sharing. It was decided that the member parties will hold the talks and decide at the earliest. The committee decided to hold joint public meetings in different parts of the country. The first public meeting will be held at Bhopal in the first week of October in the issue of rising prices, unemployment and corruption of BJP government. The parties present in the meeting agreed to take up the issue of caste census. The coordination committee authorized the subgroup of media to decide upon the names of the anchors on whose shows none of the India parties will send their representatives. राजस्थान के भरतपुर में पेश आया अंधोनाक सड़क हादसा। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने मुसाफिर बरदार बस को पीछे से मारी टक्कर। हादसे में 11 मुसाफिरों की हुई दर्दनाक मौत, 20 लोगों की शदीद नाजुक बनी हुई हालत। गुजरात से मथुरा जा रही बस पर कुल 57 लोग थे सवार। डीजल पाइप फटने के बाद एक पुल पर रुकी हुई थी बस, अचानक ट्रक ने पीछे से मारी थी टक्कर। समाजवादी पार्टी के कद्दावर लीडर आजम खान को जांच एजेंसियों से नहीं मिल पा रहा है छुटकारा। रामपुर, मेरठ, सहारनपुर के साथ ही सीतापुर और लखनऊ में भी आजम खान के मुख्तलिफ ठिकानों पर आईटी ने की छापेमार कार्रवाई। अली जौहर ट्रस्ट का पिछले 3 साल से ऑडिट न होने पर लिया गया है एक्शन। अहले खाना समेत ट्रस्ट से जुड़े दीगर रिश्तेदारों से भी की जा रही पूछताछ। गैर कानूनी तरीके से फंड जमा करने का आयद किया जा रहा है इल्जाम। यूनिवर्सिटी के अखराजात के लिए काला धन इस्तेमाल किए जाने का भी किया जा रहा है दावा। गुजरात में पहले से शादीशुदा बॉयफ्रेंड के साथ शादी रचाने की जिद एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए साबित हुई जानलेवा। अपनी बीवी की मदद से बॉयफ्रेंड मनोहर शुक्ला ने माशुका को उतार दिया मौत के घाट। वारदात के बाद एक सूटकेस में बंद करके करीब 150 किलोमीटर का सफर तय करके वापी इलाके में फेंका है लाश। 28 साल नैना के तौर पर की गई है महलूक लड़की की पहचान। बाइक पर लाश ले जाने के दौरान अपनी मासूम बच्ची को भी साथ ले गए थे मुल्जिमीन। बरसों पुरानी आशिकी के बावजूद 2018 में दूसरी खातून के साथ शादी के बंधन में जुड़ने पर नैना ने 2 मुख्तलिफ पुलिस थानों में मुलजिम मनोहर शुक्ला के खिलाफ दर्ज की थी FIR। मामला वापस लेने के लिए नैना पर दबाव बना रहा था शुक्ला। न मानने पर आखिरकार लड़की के ही फ्लैट में किसी बहाने घुसकर उतार दिया मौत के घाट। वारदात के बाद बीवी को साथ लेकर ठिकाने लगा दी थी नैना की लाश। फ्लैट की लिफ्ट में सूटकेस में बंद लाश ले जाने की CCTV में कैद हुई तस्वीर। पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करके मजीद कर रही पूछताछ। राजस्थान में पेट्रोल पंप मालिकान ने 2 दिनों के लिए हड़ताल का किया ऐलान। वेट कम करने का हुकूमत के सामने रखा गया है मुतालबा। बसूरत दीगर 15 सितंबर से गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए हड़ताल करके पेट्रोल पंप बंद रखने का दिया गया है इंतबाह। मुल्क की दीगर रियासतों के मुकाबले राजस्थान में सबसे महंगा फरोख्त हो रहा है पेट्रोल डीजल।
फिलहाल आज और कल दो दिनों तक बंद रहेंगे पेट्रोल स्टेशन। हड़ताल के ऐलान के बाद कल देर रात तक पेट्रोल पंपों में लंबी कतारों में दिखी सैकड़ों गाड़ियां। तमिलनाडु में पुलिस की वेबसाइट को हैकर्स ने बनाया निशाना। हैक करके पूरी तरह से वेबसाइट को अपने कंट्रोल में लेकर फिरौती के तौर पर $20,000 का किया गया मुतालबा। पुलिस ने फौरी तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ तमिलनाडु को मामले से किया आगाह। डेटा को किया गया महफूज। इब्तदाई तफ्तीश के बाद पुलिस ने किया खुलासा। वेबसाइट को साउथ कोरिया से किया गया था हैक। दो कमजोर पासवर्ड की निशानदेही करके वेबसाइट काबू करने में हैकर्स को मिली है कामयाबी। अब माहिरीन की मदद से वेबसाइट को रिस्टोर करने का किया जा रहा है दावा। आगरा के एक सरकारी चिल्ड्रन शेल्टर होम से सामने आई जिस्मानी जारियत की हैरत अंगेज तस्वीर। एक बच्ची के साथ चप्पल से जमकर मारपीट करते दिखी बाल गृह सुपरिंटेंडेंट पूनम पाल। अपने बिस्तर पर सो रही थी लड़की, अचानक कमरे में पहुंचकर पीटना शुरू करते नजर आ रही है सुपरिंटेंडेंट। जिला प्रयागराज में एक 15 साल लड़की को खुदकुशी के लिए उभारने का भी 2021 में पूनम पाल के खिलाफ दर्ज किया गया था मुकदमा। मुबैना तौर पर लड़की ने इंतहाई इकदाम करके दी थी अपनी जान। अब ताजा मामले की वीडियो वायरल होने के बाद डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर अजय पाल सिंह ने लिया नोटिस। कहा बारीकी से की जाएगी मामले की तहकीकात। बच्चों पर जिस्मानी तशद्दुद को हरगिज नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। तमिलनाडु के डेंडीगुल में सनातकार रत्नम और बहनवी गोविंदम के खिलाफ मुसलसल दूसरे दिन भी जारी रही ईडी की कार्रवाई। नदी किनारे से निकाली जा रही रेत की फरोख्त में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का इल्जाम आयद करके बैक वक्त मुख्तलिफ ठिकानों पर ईडी की जानिब से मुसलसल कल से मारा जा रहा था छापा। सभी दस्तावेजात की भी की जा रही है जाँच। कर्नाटक में डेंगू बुखार मामलात में हो रहे इजाफे पर हरकत में आई सरकार। वबा की रोकथाम के लिए मुनासिब इकदाम करने के लिए वजीर आला सिद्धारमैया ने महकमे सेहत और BBMP को जारी की हिदायत। मच्छर मार दवाओं का छिड़काव की मुहिम शुरू करने के साथ ही गंदगी फैलाने पर रोक और पाकी सफाई व कूड़ा निकासी पर खास तवज्जो देने के भी दिए अहकाम। लोगों से भी की वबा से खुद को महफूज रखने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की अपील। गुज़िश्ता चंद दिनों में ही 7,000 से भी ज़ायद लोगों के डेंगू बुखार से मुतासिर होने की दी जानकारी। महाराष्ट्र के थाने में उल्लास नदी किनारे कलेक्टर ने की छापेमार कार्रवाई। एक माहिगीर कश्ती से बरामद किया गया धमाका खेज मवाद। 17 डेटोनेटर्स और 16 जिलेटिन छड़ियों को बरामद करके पुलिस ने किया जब्त। कानकनी को लेकर हो रही गैर कानूनी सरगर्मियों से मुतालिक मुसद्दिका खबर मिलने पर छापा मारने पहुंची थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम। लावारिस खड़ी कश्ती की तलाशी लेने पर बरामद की गई धमाका खेज अशिया। FIR दर्ज करके अब कश्ती की मिल्कियत का लगाया जा रहा है सुराग। गोवा एक्सप्रेस ट्रेन में फिल्मी अंदाज में पेश आई लूट की वारदात। खाने में नींदावर दवा मिलाने के बाद 8 मुसाफिरों के लूट लिए गए मोबाइल फोन। ट्रेन में बेहोश पाए गए मध्य प्रदेश के खंडवा जा रहे 8 मुसाफिर। बेलगावी स्टेशन पर मुआयने के बाद सभी को जिला हॉस्पिटल किया गया भर्ती। ट्रेन में सवार अजनबी नौजवानों ने बातचीत करके खुद से मानूस करने के बाद पेश की थी खाने की अशिया। खाना खाते ही नींद की आगोश में चले गए थे मुसाफिर। वाकये के बाद एक बार फिर वेस्टर्न रेलवे अफसरान ने लोगों से की अजनबियों की जानिब से पेश करदा खाने की अशिया न लेने की अपील। अमरीकी जेल से उम्र कैद सजायाफ्ता मुजरिम की भाग निकलने की सामने आई तस्वीर। करीबी 2 दीवारों का सहारा लेकर नहायत ही आसानी के साथ ऊपर चढ़ते हुए जेल से फरार होने में कामयाब रहा मुजरिम। सामने आई CCTV तस्वीर। पिछले एक हफ्ते से भारी पुलिस फोर्स लगाकर तलाश करने की मुसलसल जारी है कोशिश। कई बार लोगों की जानिब से देखे जाने के दावे के बावजूद भी लगातार पुलिस को दे रहा है चकमा। अब जगह जगह पोस्टर चस्पा करके फरार कैदी से मुतालिक जानकारी फराहम करने पर $25,000 के इनाम का किया गया है ऐलान। अपनी साबिका माशुका का कत्ल करने के लिए मुजरिम करार देकर हाल ही में अदालत ने नौजवान को सुनाई थी उम्र कैद की सजा। अठारह सितंबर को मनाया जाने वाला गणेश चतुर्थी त्यौहार की मुनासिबत से भटकल मुजाफाती पुलिस थाने में पीस मीटिंग का किया गया इनेकाद। मुख्तलिफ कम्युनिटी के जिम्मेदारान के साथ किया गया तबादला ख्याल। कानून की मुकम्मल पासदारी के साथ त्यौहार मनाने की पुलिस की जानिब से की गई अपील। दूसरों को तकलीफ पहुंचाए बगैर जुलूस निकालने की सख्ती से की गई ताकीद। कोई मसला पेश आने पर आपसी बातचीत और सुलह सफाई करके मामले को रफा दफा करने की भी की गुजारिश। DJ के इस्तेमाल पर मुकम्मल रोक और पाबंदी होने की भी दी गई जानकारी। मुखालिफत करने पर सख्त कार्रवाई करने का दिया गया इंतबाह।